बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। होप एवरी वन इज़ फाइन। मैं आज मौजूद हूँ मैनचेस्टर के अंदर, इस एरिया का नाम है ड्रोल्सडन। बहुत ही प्यारा एरिया, ज़बरदस्त मेन मैनचेस्टर रोड है। इसके ऊपर मैं आज आपको एक प्रॉपर्टी का विज़िट कराता हूँ। ये सिर्फ ट्रेन दिखाने का मकसद आपको ये था कि यहाँ से ट्राम स्टॉप जो है वो बिल्कुल, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो हार्डली, ये देखिए ये सामने है, 1 मिनट की वॉक है जो प्रॉपर्टी में आपको विज़िट कराने वाला हूँ। ये सामने ट्राम स्टॉप है, सामने बस स्टॉप है, मेन रोड है। और मज़े की बात एक बताऊं कि ये ट्राम भी इसी रोड के ऊपर चलनी है, गाड़ियाँ भी इसी रोड के ऊपर चलनी है और बस भी इसी रोड के ऊपर चलनी है। ठीक है जी। और बड़ा बिजी एरिया है, यहाँ से सिटी सेंटर तकरीबन 3 माइल पे है, 3 माइल्स अवे सिटी सेंटर फ्रॉम दिस प्लेस। एंड कॉर्नर शॉप भी सामने है, पोस्ट ऑफिस भी सामने है। ट्राम जैसे अभी एक गुजर के गई है और अभी ये एक ट्राम सामने आ रही है, या सिटी सेंटर की तरफ जाएगी, वो दूसरी जो गई है उधर वो आस्टन की तरफ जा रही है, और ये जो गई जाएगी ये मीडिया सिटी यूके। ये देखिए उसके ऊपर आपने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, ये ट्राम यहाँ से बिल्कुल उस घर के सामने से गुजर रही है जहाँ का मैं आज आपको विज़िट कराने वाला हूँ। ये देखे ठीक हो गया, ज़बरदस्त। गोरिया ने कितनी तरक्की कर ली है, एक कोई रोड से गड्डियाँ भी, बसें भी, ट्रामा भी चला देती हैं। एवरी थिंग जस्ट स्टेप अहेड। ओके ठीक हो गया, अब मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर लेके चलता हूँ। ये है प्रॉपर्टी, ये 2 बेडरूम का घर है। ठीक है जी, आए अंदर चलते हैं। 2 लिविंग रूम है इसके अंदर, 2 लिविंग रूम है। ये एक लिविंग रूम पहला बिल्कुल फ्रेशली डेकोरेट किया गया है, पेपर पेंट इसका अभी बिल्कुल फ्रेश लगाया गया है। आपको लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा वेट लग रहा है क्योंकि बिल्कुल अभी वो मेरे सामने निकल के गए हैं वो लोग जिन्होंने पेपर पेंट किया इसको। ठीक है जी, ये आ गया इसका दूसरा लिविंग रूम। इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक ही लिविंग रूम था, यहाँ पर किचन था, इन्होंने किचन यहाँ से निकाल के इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है, किचन इधर बना दिया है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये किचन उन्होंने एक्सटेंड करके इधर ले आए हैं। ये इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैकयार्ड है, बैकयार्ड से आप देखें कि इन्होंने ये एक्सटेंशन की हुई है, किचन और टॉयलेट। ऊपर से इन्होंने जो अपस्टेयर टॉयलेट होता है वो ख़त्म कर दिया है और इन्होंने ये टॉयलेट इधर एक्सटेंशन करके ये ले आए हैं किचन के साथ। ये स्टोरेज है, काफ़ी स्टोरेज है इसके अंदर, आप किचन का सामान वगैरह रख सकते हैं। ये बैक डोर एक्सेस है यहाँ से। ये टॉयलेट बिल्कुल न्यूली फिटेड है। ठीक है जी, यहाँ से मैं फिर आपको एक विज़िट करा दूँ। ये किचन है, किचन के अंदर गैस हब रखा हुआ है, बॉयलर इन वर्किंग कंडीशन है। यहाँ से मैं आपको बॉयलर भी चला के दिखा दूँ कि बॉयलर भी चल रहा है फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया, गर्म पानी आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये है दूसरा लिविंग रूम। और दूसरे लिविंग रूम के अंदर ये है स्टोरेज, डाउनस्टेयर स्टोरेज। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, ये भी स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारा सामान इसके अंदर फिट हो सकता है। ये बहुत बड़ी फैमिली के लिए नहीं है। एक सेकंड, हाँ जी, तो ये हो गया आपका डाउनस्टेयर का विज़िट। ठीक है, फिर दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल में लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ पे। स्टेयर्स ऊपर चलते हैं, ऊपर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे बिग 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 मास्टर बेडरूम है। लाइट इसकी ऑन कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है, चलती है। राइट, ठीक हो गया, बिग मास्टर बेडरूम, फिटेड वार्डरोब्स,
ये मैं आपको यहाँ से एक दफ़ा फिर बाहर का विज़िट करा देता हूँ, व्यू करा देता हूँ कि देखें बिज़ी रोड है, मैनचेस्टर रोड है, इसका नाम है भी मैनचेस्टर में ही और इसका नाम भी मैनचेस्टर रोड है। ठीक है जी, वेरी गुड साइज बेडरूम है, यानी आप यहाँ से अगर देखें तो डबल बेड लगा के भी काफ़ी जगह बचती है। बिल्कुल, ये भी एक कबर्ड है। ठीक है जी, स्पेस काफ़ी है ऊपर उधर इजीली। अगर हम आपको मैं फुल यहाँ से व्यू कराऊँ ना बेडरूम का, ये देखें ये दूसरा बेडरूम है, ये भी वेरी गुड साइज़ है। यहाँ पे डबल बेड इजीली लगाएं, आराम से उनसे बहुत जगह आगे बनती है, फिटेड वार्डरोब्स हैं। ठीक है क्या जी, यहाँ से मैं आपको इस घर का बैक का विज़िट करा दूँ। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंशन हुई हुई है और ये एक्सटेंशन करके इन्होंने यहाँ से ऊपर से बाथरूम को ख़त्म करके तो नीचे एक्सटेंशन बैकयार्ड में करके वहाँ पे किचन और बाथरूम बना दिया गया है, जिससे इस घर की जगह और खुल गई है, मोर स्पेस नाउ। ओके राइट, तो ये हो गया इस घर का विज़िट। दो बेडरूम की ये प्रॉपर्टी है, दो लिविंग रूम है, किचन बाथरूम इंक्लूडिंग है, अनफर्निश्ड है, फर्नीचर आपको अपना लाना पड़ेगा। और इस घर का रेंट बड़ा ज़बरदस्त है यार, इतने मेन रोड के ऊपर इतना कम रेंट, मेरा ख्याल है कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका रेंट है जी, बताऊँ आपको, आप लोग गैस करके मुझे बताओ कितना रेंट होना चाहिए इसका। मुझे जो है ना, वो जिसका गैस सही होगा ना, मैं बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं। देखें जी, ये किचन फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, सिंक सारा कुछ, ये जगह है वॉशिंग मशीन के लिए, ड्रायर के लिए, और फ्रिज, फ्रिज मेरे ख्याल में आप बाहर इधर कहीं पे भी रख सकते हैं, बड़ी जगह इधर फ्रिज रखने के लिए। एनीवेज, इसका रेंट है जी 650 pounds। बहुत सारे लोग हैं, आप यकीन करें कि आज ये ओपन हाउस व्यूइंग है इसकी, और तकरीबन कोई 10 से 12 लोग देखने के लिए इसको आ रहे हैं, और अभी तक 5 लोग आ चुके हैं, और 5 के 5 ऐसे मेरे तरले कर रहे थे कि यार अभी हमसे डिपॉज़िट लो, अभी 6 months का डिपॉज़िट लो, हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, हर सूरत हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, हम डोंट वांट टू मिस दिस हाउस। सो पता क्या है, आप लोग, मैंने देखा है कई दफ़ा कमेंट्स के अंदर कि महीने महीने के बाद अगर आप वो मुझे पूछेंगे तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये टिकने वाली नहीं होती, तो प्लीज़ क्विकर इज़ बेटर, सोनर इज़ बेटर। ठीक है, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हो सकता है ये आपको मिल जाए, और आप लोग इसको जो देख रहे हैं, देखते हैं, वो इसको आगे शेयर करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपके किसी चाहने वाले को, आपके किसी अजीज़ को, भाई को, दोस्त को ज़रूरत हो, वो देख रहा हो, तो उसको उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उसका भी भला हो जाएगा। तो आपका अपना मियाँ जी इन UK, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ना ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़, सुपुर्द मौला, खुदा पामान।